अगर आप अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं तो हम बच्चों का भी फर्ज बनता है ना कि हम आपके लिए अपना फर्ज बखूबी निभाएं। जरूरत पड़ने पर प्राण तक न्यौछावर करते हैं। ये एहसान कहां से हुआ रानी साहब? ये सब क्या है लड़के? हम तुम्हें पुरस्कार देकर तुम्हें गरीबी से निकालकर महलों की जिंदगी दे रहे हैं और तुम हमारे इस तोहफे को ठुकरा कर हमारा अपमान कर रहे हो, तोहीन कर रहे हो हमारी। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। शमा रानी साहब, लेकिन मुझे महलों की कोई लालसा नहीं, क्योंकि ये धन दौलत ऐशो आराम मेरे लिए अमीरी को नहीं दर्शाता। रानी साहब, हम किसान लोग हैं और किसान के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी धरती, और यही धरती मेरी सच्ची और असली दौलत है। इसके आगे बाकी सब चीजों का कोई मोल नहीं। और रही बात मेरी और मेरे कर्तव्यों की, तो रानी साहब, हम वो किसान हैं जो एक तरफ हल चलाकर फसल काटते हैं, अनाज बोते हैं, और दूसरी तरफ अगर उसी मातृभूमि की रक्षा की बात है तो हम इसी धरती को पिघलाकर तलवार बना लेते हैं। और रही बात एहसान की, तो रानी साहब, दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मां पर एहसान नहीं कर सकता। मेरी इनकार को मेरी गुस्ताखी, राज्य के प्रति मेरा अपमान मत समझिए, बल्कि मेरे धरती मां के लिए मेरा मान समझिए। देखा आई साहब, परख लिया। आप उसे लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने खुद को ना सिर्फ हमारे राज परिवार से बल्कि हमारे दिलों से भी हमेशा के लिए जोड़ लिया है। उसने खुद का मान भी बचाया और आपका सम्मान भी खोने नहीं दिया। यही यशवंत की खूबी है आई, यही उसकी पहचान है। आजी, हमने कहा था ना, आई साहब की योजना हमेशा बहुत सुनियोजित और बारीकी से बनाई गई होती है। उनकी जिद के आगे किसी का भी कुछ नहीं चल सकता। आपका भी नहीं। साहब ने ये सब ठीक नहीं किया है। सबके बीच यशवंत को बुलाकर उसे सम्मानित करने की बात कहके उसका अपमान किया, दौलत का रौब दिखाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, ये सब ठीक नहीं है। एक बात बताओ अहिल्या,
क्या यशवंत ये बात जानता है कि तुम मुक्ता और उसके बारे में क्या सोच रही हो? नहीं, वो ये नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से मालेरा उसके साथ व्यवहार कर रहा है उसे शक हो सकता है। आखिरकार वो भी इसी दुनिया में रहता है ना। जरा संभल कर अहिल्या, कहीं मालेराव को ये ना लगने लगे कि तुम यशवंत को उसका प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा कर रही हो। जानती हूं मैं, अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए मालेराव को बराबरी का मौका देना चाहती हूँ। अगर मालेराव को ऐसे लग रहा है तो उसे इस खेल को अच्छी खेल भावना में खेलना होगा। इसीलिए मैंने यशवंत को यहाँ बुलाया है ताकि हमें। छोटी रानी, प्रणाम। छोटी रानी प्रणाम। तो कुछ सरकार। देखो यशवंत, मैं समझती हूँ बड़ी रानी साहब ने जो भी तुमसे कहा वो कोई बात नहीं। छोटी रानी, मैंने बुरा नहीं माना, वो तो प्रजा की रानी साहब है, पर रानी तो प्रजा की आई होती है, राई की बातों का कौन बुरा मानता है। उन्होंने जो भी कहा वो उनका हक था और मुझे कोई शिकायत नहीं। और छोटी रानी, आपने पूछा था ना कि मेरे सिपाहियों के टुकड़ी में खास कौन होगा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाओ। हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा छोटी रानी, ये मेरा तरीका है खास लोगों को बुलाने का। प्रणाम छोटी रानी। किशन नायक और इनके साथियों के साथ जाना चाहते हो? तुम्हारे मन में इनके लिए जो नफरत और गुस्सा। छोटी रानी भूल गई, आप ही कहती थी ना कि मुजरिम को नहीं जुर्म को खत्म करना है, और आपने भी यही किया है। देखिए देखिए, ये सब जो खड़े हैं ये आपके ही जीत का प्रतीक है। हाँ छोटी रानी, मेरे अंदर के मुजरिम को मारकर आपने एक नए किशन नायक को जन्म दिया है। मैं अपनी ताकत और अपनी जिंदगी मालवा और देश की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार हूं, बस आप आदेश कीजिए। हाँ छोटी रानी, हम सब आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। केवल आदेश का पालन ही नहीं, हम आपके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है छोटी रानी। हाँ छोटी रानी, हम तैयार हैं। सुनो, हमारे सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। जी हाँ बिल्कुल, ये पूजा का प्रसाद है, आपके भोजन की व्यवस्था इधर करवा देता हूँ। जी शुक्रिया। Thank you.
माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। ये माता रानी का प्रसाद है, पर हाथ में शस्त्र लेकर प्रसाद ग्रहण करना अधर्म है, इसलिए पहले शस्त्र रखिए फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। दरअसल मैं एक क्षत्रिय हूं, मानव जाति के हित के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल करना मेरा धर्म है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप प्रसाद दीजिए। नहीं, पहले आप शस्त्र रखिए फिर प्रसाद मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरा इस प्रसाद को दूर से ही नमन है। अरे अरे, ऐसे नहीं करते। अच्छा ठीक है, आप शस्त्र मत रखिए, पर एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ से प्रसाद, ऐसा तो मत कीजिए। माता रानी की जय। सरकार शांत हो जाइए। सरकार, आपको अपना अपन नहीं खोना चाहिए। हमें धीरज से काम लेना चाहिए ताकि हम इस मुसीबत से उबर सकें। कैसे शांत हो जाएं जनकू जी, कैसे शांत हो जाएं? अब तो बस शिव शंभू का ही आसरा है। हे शिव शंभू, हे महाकाल, हम अपने बेटे को खो ही चुके हैं, अब बहू और पोते को नहीं खोना चाहते। रक्षक कीजिए, उनके रक्षक कीजिए, उनके रक्षक कीजिए प्रभु, उनके रक्षक कीजिए।
हुक्म की तामील। हमें ऊपर से हुक्म मिला है कि तुम सबको यहाँ जिंदा दफना दिया जाए, और सबसे पहले दफनाया जाएगा मालवा का राजकुमार। ए, मिट्टी डालो। ये ठीक नहीं है, ये अनैतिकता है, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब किसके इशारों पर कर रहे हो, लेकिन मल्हार सरकार का करारनामा हुआ है अब्दाली के साथ, फिर ये सब क्यों? रुक जाओ, मत डरो, रुको, माले रहो, बाहर निकलने की कोशिश करो। दीजिए राजकुमार। नजीब सरदार ने आज इनकी मौत का फरमान दिया है, वक्त बर्बाद मत करो, चलो। वक्त ज्यादा नहीं है, जल्दी कीजिए। हाथ दीजिए राजकुमार।
राजकुमार। कैसे पहुंच गए? माफी छोटी रानी, लेकिन मैंने आपको बिना बताए हर एक टुकड़ी में चार चार गुप्तचर छोड़ रखे थे, ताकि अगर किसी के साथ दगा होता है तो ये गुप्तचर मुझे आकर फौरन खबर करेंगे। लेकिन यशवंत, तुम्हारी जान को खतरे में डालकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम कैसी बात कर रही हैं छोटी रानी? आप लाख मर जाए गम नहीं, लेकिन लाखों के पालनहार को जिंदा रहना होगा। हमारे रसद के दो हिस्से अपने मंजिल तक पहुंच ही रहे होंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग भी चले। भाई साहब, हमें नौकरों का क्या करना है? मेरे बाबा ने एक सीख दी थी, पर स्त्री माता समान होती है। भले ही इन्होंने हमारे साथ दगा किया हो, लेकिन हम इन्हें आदर पूर्वक इनके गांव वापस पहुंचा देंगे। वहिनी, ये सब क्या है? इतने साज श्रृंगार ये सब किसके लिए? मुक्तावन सर, सच कहूँ तो हमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन आज ही सासुबाई साहब ने आपको तैयार करके मुख्य कक्ष में लाने कहा है। अच्छा, लेकिन आई साहब वो तो यहाँ नहीं है, और आज कोई तीज या त्योहार भी नहीं है, तो फिर सिर्फ हमें तैयार होने के लिए क्यों कहा है? आप क्यों नहीं तैयार हो रही? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी मुक्ता, है ना? बस किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन अजीब, ये सब क्या है? देखो मुक्ता, आज जाधव सरकार और उनकी पत्नी हमारे यहाँ आ रहे हैं, और जाधव सरकार जो है वो हमारे मालवा के सबसे बड़े रियासतदारों में से एक है, हमारी बराबरी के हैं, और उनका बेटा शादी की उम्र का है। शिव शंभू की कृपा रही तो हम तुम दोनों का रिश्ता आज कर देंगे। लेकिन आज ही सासुबाई साहेब और आजोबा तो मुहिम पर गए हैं ना, और मुक्ता वंश के दादा भी तो नहीं है यहाँ, तो फिर इन सब की गैर हाजिरी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं ना, बिल्कुल हो सकता है। अगर अहिल्या अपनी बेटी के लिए गलत फैसला ले सकती है, तो क्या हम अपनी पोती के लिए सही फैसला नहीं ले सकते? जाओ, जाकर शिव शंभू का आशीर्वाद ले लो। अक्का साहब, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। हाँ हल्कू भाई साहब, जल्दबाजी करनी बहुत जरूरी है, और अपने परिवार की गरिमा को बचाने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। मल्हार सरकार ने मुक्ता की शादी का फैसला अहिल्या को तो सौंप दिया है, और जहां तक हम अहिल्या को जानते हैं, अगर उसने यशवंत के लिए 100% ठान ली है तो वो मुक्ता की शादी यशवंत से कराकर ही रहेगी, और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे।
रुक जाओ। सिपाही जी। छोटे रन, कौन है ये लोग, जरा गुप्त तरीके से पता करवाइए। जी छोटी रन, छोटी रानी वो अपने वाड़े की ही ओर जा रहे हैं। अपने वाड़े की तरफ, मगर कौन है ये लोग? राज्य के रियासतदार जादव जी। जादव जी, आपने तो कहा था कि वो आते ही होंगे, अभी तो समय भी बीत गया उनका यहाँ आने का। रानी साहब, जहां तक मेरी जानकारी है वो लोग घर से निकल चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग पहुंचते ही होंगे। जी हर कुमार साहब, आप जाकर स्वागत की तैयारी कीजिए, थाल लेकर आइए। जी आई। आप सब मुझे देखकर खुश नहीं है क्या? किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो किसी के स्वागत की तैयारियां हो रही है क्या? ऐसे कोई बात नहीं है अहिल्या। तो फिर कैसी बात है? जिनका आप सब इंतजार कर रहे हैं, अब तो वो आने से रहे। क्या मतलब? आप सब जाधव जी का इंतजार कर रहे हैं ना? वो मुझे बीच रास्ते में मिले थे, उन्होंने मुझे यहां आने का कारण बताया, तो मैंने उन्हें आधे रास्ते से सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया। क्या? लेकिन क्यों अहिल्या? क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, कि मुक्ता का विवाह यशवंत से ही होगा। आयुष्मान बा, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए मल्हार सरकार। यशवंतराव फणसेन जी, छोटी रानी के आदेशानुसार जितनी भी रसद ला सकता था वो सब सही सलामत लेकर आया हूं।
अहिल्या का है। जी, छोटी रानी और राजकुमार मालेराव दोनों सकुशल हैं और वाड़ा पहुंच गए हैं। तुमने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता का प्रमाण दिया है अहिल्या। तुम्हारी पसंद हमें मंजूर है। यशवंत और मुक्ता के विवाह की इजाजत हम नहीं दे सकते। ये शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। और ये मालवा की रानी का फैसला भी है और हुक्म भी है। और हमारे हुक्म को नकारने वाले की सजा मृत्यु दंड है। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो अहिल्या। चलो मुक्ता। रुकिए रानी साहब, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं डाली। बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझसे कोई गलती हुई है, आपने मेरे अच्छाई के लिए मुझे दंड दिया है। इस बार भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए मुझे। लीजिए ये तलवार अहिल्या। अहिल्या, ये क्या पागलपन है? आपने ही कहा ना, अगर मैं ये गलती करूंगी तो आप मुझे मृत्यु दंड दे सकती हैं। तो दीजिए आई, क्योंकि जिसमें मैं मुक्ता की भलाई समझ रही हूं आप उसे मेरी गलती समझ रही है। तो रानी साहब, ये गलती तो मैं करूंगी ही। मुक्ता की शादी यशवंत से ही होगी। मालवा की छोटी रानी होने के नाते बाबा साहब ने इस मामले में फैसला लेने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगी और मैंने फैसला ले लिया है। अहिल्या, अहिल्या, ये क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं आई, बात बस ये है कि आप वर्तमान में खड़ी होकर निर्णय ले रही है और मैं भविष्य के बारे में सोच रही हूं। मुक्ता और मालवा दोनों के अच्छे भविष्य के लिए इस रिश्ते का जुड़ना बहुत जरूरी है। आई, यशवंत के रूप में मालवा को एक रक्षक योद्धा प्राप्त होगा। और वाह आई साहेब, वाह।
आखिर सच सामने आ ही गया। ये थी असली बात। आपको हमारी नहीं अपने मालवा की फिक्र थी। आप हमारे लिए पति नहीं बल्कि मालवा के लिए एक योद्धा खोज रही थी। भाई साहब, ये एक सौदेबाजी हो रही थी। हाँ, जैसे पिछली बार हमें बिना बताए किशन नायक का शिकार बना के सौंप दिया गया था, वैसे ही फिर आज भी वही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार हमें पता है कि मालवा के खातिर उसकी निष्ठा में हमें किसी भी ऐरे गहरे को सौंप दिया गया है। हाँ साहब, हर बार यही होता है। आपने हर बार अपने कर्तव्यों को अपने बच्चों से ऊपर रखा है। दादा सही कहते हैं, आपने कभी भी हम दोनों का अपना बच्चा माना ही नहीं है। आई बस मालवा पर, मालवा के फर्ज पर मर मिटने वाले राजकुमार और राजकुमारी बनकर ही रह गए। आई बस अपना मन बना लो मुक्ता, तुम्हारी शादी यशवंत से ही होगी। अब सच में पत्थर है, कठोर है, हो गया आप अपने मालवा के और मालवा की रक्षा के लिए चट्टान। लेकिन हमारे लिए आप हमारी आई साहेब नहीं है। हम आपसे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे आपसे बात। नहीं, आप हमारे आई बस नहीं है। नहीं है। दिल बहलाने के लिए अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अहिल्या नहीं समझेगी, कभी नहीं समझेगी। अभी अभी मैंने अहिल्या को शिव मंदिर में देखा, समझाने जैसा कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि अहिल्या ने यशवंत का बड़े प्यार से स्वागत किया। देखा अपने अज्जी, वो वही कर रही है जो उनका मन है। अज्जी, अब मैं क्या कोई भी नहीं है जो आई साहब के फैसले को रोक सके। उन्होंने बेबस कर दिया है हमें। अज्जी, अब तो अजूबा ने आई साहब को कह दिया है सारे फैसले लेने के लिए। अज्जी, क्या कोई नहीं है जो हमें बचा सके। लगता है मेरी तकदीर ही खराब है। है,
एक इंसान है जो तुम्हें तुम्हारी आई साहब के फैसले से बचा सकता है। कौन? माले रहो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रकमा। हम माले राव को बीच में नहीं लाना चाहते हैं, वरना बात और बिगड़ जाएगी रकमा। बात तो पहले से ही बिगड़ी हुई है रानी साहिब, और अब उस बात को बिगाड़ने का नहीं बल्कि संभालने का वक्त है, क्योंकि तलवार ही तलवार को काटती है। बस बस रकमा, पहले से ही इतने अंतर्विरोध की स्थितियां हैं, मुश्किलें हैं, उठा पटक चल रही है, और तुम हो कि अपनी लाग लपेटे कुछ भी बोले जा रही हो। आग में घी डालने की कोशिश मत करो रकमा, ये ठीक नहीं है। और एक बात और, ये माँ बेटी का मामला है, माँ बेटी में मतभेद हो जाएगा, मनभेद पैदा मत करो रकमा। और वैसे भी स्थितियों को संभाला भी जा सकता है, लेकिन तुम इन्हें कोई और ही रंग दे रही हो। या हम जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हो कि उतर। मुक्ता, मुक्ता कहाँ जा रही हो? दादा, दादा कुछ कीजिए, दादा दादा कुछ कीजिए, दादा। ये क्या किया तुमने मुक्ता? पूरी बाजी बिखर गई मेरी। यही यही तो हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ, बिखरी जा रही है, और किसी को कुछ परवाह ही नहीं है हमारी। दादा दादा, आई साहब ने बिना हमारी मर्जी के उस यशवंत के साथ हमारी शादी तय करा दी है। दादा कुछ भी करिए, ये शादी रुकवा दीजिए। दादा हमें नहीं करनी ये शादी, रुकवा दीजिए ये शादी दादा। दादा हम कुछ कह रहे हैं ना, रोकिए इस शादी को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।